हमारा रोज डे इतना स्पेशल क्यों था? गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड अ वेरी हैप्पी एंड रिलैक्सिंग वीकेंड टू ऑल ऑफ यू. आज है सैटरडे मॉर्निंग. वीकेंड बहुत ही अच्छा है मेरा, पर रिलैक्सिंग बिल्कुल नहीं है क्योंकि आज है अनन्या का स्कूल. एक्चुअली जो सैटरडेज हैं उसके कुछ छुट्टी रहती है, कुछ सैटरडेज उसके वर्किंग रहते हैं, तो आज उन्हीं सैटरडे में से एक सैटरडे है वर्किंग वाला, तो रिलैक्सिंग नहीं बिल्कुल नहीं है. पर बहुत ज़्यादा हैप्पी है क्योंकि चल रहा है ये वैलेंटाइंस डे का वीक जो कल से स्टार्ट हो गया है. मुझे बहुत अच्छा लगता है ये जो वैलेंटाइन का वीक होता है. ऐसा नहीं कि मैं कुछ स्पेशल करती हूँ इसमें, कभी कभी करती हूँ, कभी कभी नहीं करती हूँ, मूड होता है उसके ऊपर. पर ये जो फीलिंग होती है ना, पूरा बिल्कुल ऐसा ड्रीमी सा फीलिंग होता है, ड्रीमी सा लगता है ये पूरा हफ्ता. अच्छा लगता है क्योंकि ये जो अभी वेदर है, थोड़ा ठंडा थोड़ा गर्म, सीजन बहुत अच्छा है, वेदर बहुत अच्छा रहता है इस टाइम पे, तो वो जो फीलिंग होती है ना, बड़ी अच्छी सी फीलिंग आती है. तो ये बड़ा लवली लवली सा लवी डवी सा फीलिंग होता है इस टाइम पे, तो अच्छा लगता है. कल था रोज डे, तो आप सभी को हैप्पी वाला बिलेटेड रोज डे. और आज है प्रपोज डे, तो हैप्पी प्रपोज डे टू ऑल माय लवली फ्रेंड्स. तो बताइए, रोज मिला आपको या फिर आपने दिया? क्या दिया? नहीं दिया बताना पक्का मुझे आप. और आज प्रपोज डे है तो प्रपोज करके देखिए एक बार दोबारा. मुझे भी शादी को हो गए 10-11 साल, पर देखते हैं आज करते हैं प्रपोज, है ना. तो मेरा वीडियो मोस्ट प्रॉब्ली आप शायद मंडे या ट्यूसडे को देखेंगे, तो तब तक हो जाएगा चॉकलेट डे. लिख लो अगर भूल जाओगे तो. कल है चॉकलेट डे, परसों है टेडी डे, उसके बाद है मंडे को है प्रॉमिस डे, और ट्यूसडे को है हगी वाला डे. तो ये लिख लो, याद रखना, भूलना मत. कल जो मेरा रोज डे था ना, वो मेरे जिंदगी का बेस्ट रोज डे था. इसकी कोई स्टोरी बताती हूँ मैं आपको. अच्छा, अब चलो मैं आपको मिलवाती हूँ मेरे वैलेंटाइन से. और वो कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, यहाँ है. कितना एक्साइटिंग है देखो. मस्त सो रहे हैं आप प्रपोज डे. गुड मॉर्निंग सुभाष. रुको भी पास से मिलवाती हूँ उनसे. लकी यार हस्बैंड्स, मस्त. देखो सैटरडे को हम उठ के बिल्कुल सब कुछ कर रहे हैं और ये देखो मस्त. नहीं वैसे ये सुबह उठ गए थे. अनन्या को जनरली यही छोड़ने जाते हैं, छुट्टी हो ना हो इनकी. छुट्टी के दिन भी अगर अनन्या का स्कूल रहता है तो अनन्या को मोस्टली ज्यादातर यही छोड़ने जाते हैं. चलो आपको इनसे मिलवाती हूँ. आइए. ये है सुभाष. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. और सुभाष कुछ तो बोलो यार, कुछ बताओ अपने बारे में. नींद में यार, लकी सैटरडे बन रहा है इनका. हैप्पी प्रपोज डे सुभाष. हैप्पी प्रपोज डे. एंड रिमेम्बर, टुमारो इज चॉकलेट डे और उसके बाद है टेडी डे. आई ऑलरेडी हैव टू टेडीज. टू टेडीज. कौन है बता दो. आई नीड वन मोर. कौन है बता दो. One teddy, big teddy, and one small teddy. She has gone to school. हाँ, ये बहुत चालू है. देखो बहाने इतने होते हैं ना, रोमांस. अब मतलब शादी के पहले, जब शादी नई नई होती है ना, तब तो टेडीज आते हैं, फ्लावर्स आते हैं, चॉकलेट्स आते हैं, और अभी तो टेडी हम ही बन जाते हैं. सी, रोमांस चेंज हो जाता है ना सुभाष. Yes. अभी होते हैं बहाने बहाने बहाने, बातों में ही रोमांस होता है आजकल, बातों में ही गिफ्ट मिलते हैं आजकल, है ना. I don't believe in materialistic love. See? डायलॉग्स होते हैं अभी. चलो इनको छोड़ देते सोने के लिए. bye इनका बाय. इनको सो देते सोने के लिए. सो जा सो जा. और हम चलते हैं किचन में, थोड़ा किचन की साफ सफाई करूंगी मैं अभी, थोड़ा किचन सेट करूंगी अभी, थोड़ा नाश्ता बनाऊंगी, उसके बाद फिर मेरे को जिम जाना है. मैं काइंड ऑफ हेल्थ फ्रीक, फ्रीक नहीं बोलूंगी, पर हाँ मतलब मुझे जिम जाना बहुत अच्छा लगता है जब मुझे मौका मिलता है. मैं मॉर्निंग में जिम जाना छोड़ती नहीं हूँ. तो जब अनन्या का स्कूल होता है ना, तो सबसे बेस्ट मुझे यही लगता है कि मुझे उस दिन जिम जाने को मिलेगा. वरना क्या होता है, अनन्या की छुट्टी होती है ना, तो हमारा भी जिम, मेरी भी जिम की छुट्टी हो जाती है. कहाँ उठना होता है यार, बच्चों की छुट्टी होती है तो. आज सैटरडे को जल्दी उठी हूँ मैं, अदरवाइज कहाँ उठते हैं सैटरडे संडे को जल्दी. 9 बजे के करीब तो उठते हैं, फिर आराम से चाय वाय पी के ब्रंच होता है. आज सैटरडे है पर आज ब्रेकफास्ट होगा. तो चलिए किचन में साफ सफाई करते हैं, किचन को सेट करते हैं, नाश्ता बनाते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको मिलती हूँ विद माय कल का स्पेशल रोज डे स्टोरी. वेलकम टू माय किचन. और ये देखिए मेरा सुंदर सा फैला हुआ सुबह सुबह का किचन, देखिए. यार यही होता है सुबह, मतलब
किचन के काउंटर की हालत से आपको पता लग जाता है कि आपके किचन में क्या तूफान मचा है सुबह। और जिस दिन स्कूल होता है उस दिन तो तूफान मचता ही है। तो ये मेरी किचन की हालत है। उसको फटाफट काउंटर मैं थोड़ा साफ कर देती हूँ क्योंकि इतने भरे भरे काउंटर में मुझसे काम नहीं होता है। उसको फटाफट सेट करते हैं, उसके बाद फिर मैं बनाती हूँ नाश्ता। आज नाश्ते में मैंने सोचा मैं पोहा बनाती हूँ, फटाफट बन जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। अब मैं सारा सामान डालती हूँ सिंक में। सिंक में सामान ना मतलब ऐसे बस डाल नहीं देती हूँ, मुझे ना थोड़ा स्टैक करके रखने में ठीक लगता है। थोड़ा किचन का सिंक भी थोड़ा सेट या फिर थोड़ा सॉर्टेड फनी लगता होगा ना, सिंक सॉर्टेड करके रखना। बट हाँ मैं थोड़ा करती हूँ, मुझे स्टार्टिंग से ही आदत है, मैं सामान उठा के ऐसे सिंक में डाल नहीं देती हूँ। बाई आती है धोती है तो मुझे ऐसा लगता है कि यू नो ऐसा नहीं लगना चाहिए उसको कि बस खाना खा लिया जैसे तैसे बर्तन खाने के साथ ही डाल दिया सिंक में। तो वो भी तो इंसान है यार। और मैं कांच के बर्तन जो हैं वो जल्दी थोड़ा साइड में, जो सिंक के साइड में वहाँ पे रखती हूँ कि तो थोड़ा उसको भी पता रहता है भाई को कि भाई थोड़ा ये सामान है जिनको संभाल के करना है। थोड़े कांच के लौपला वाले सेट है मेरे, बहुत पुराने हैं ये, और ये मैं सिंक में डाल देती हूँ क्योंकि बहुत पुराने हैं, टूट जाएंगे तो नए आएंगे। पर हाँ अभी जो बाकी सामान है, जो मेरे फेवरेट क्रॉकरी है, नए कांच के सामान हैं, उनको मैं जनरली साइड में रख देती हूँ तो भाई को थोड़ा पता रहता है कि भाई इनको संभाल के करना है। कभी बार क्या होता है ना कि उनको कितना भी संभाल के काम करें वो गलती से काफ़ी बार एक बर्तन निकालने में दूसरा बर्तन चटक ही जाता है। तो इट्स ओके, और मुझे ऐसी आदत है। और ये जो मेरा सिंक देख रहे हैं ना, ये जो वाइट 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 वाइट, ये सारा कैल्शियम डिपॉजिट है। यहाँ का जो पानी है बहुत हार्ड वाटर है, यहाँ का जो पानी आता है यहाँ का, तो कितना भी साफ करो, मैं महीने दो महीने में एक बार इसको विनेगर और ये सब डाल के करती हूँ, रगड़ती हूँ, थोड़ा सा साफ करती हूँ, पर ये वापस से यू नो पानी इकट्ठा हो के वापस से इकट्ठा हो जाता है। तो मैंने वॉश बेसिन के जब मैंने वो वीडियो बनाया था तब भी बताया था कि यहाँ का पानी बहुत हार्ड है, तो ये नलके वलके चमका के रखना, किचन का ये सब एरिया संभाल के रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। साफ करो तो भी एक दो महीने में वापस से कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है। तो मैंने ये इसलिए बताया ताकि आपको ये ना लगे देखो कितना गंदा काउंटर टॉप, देखो कितना गंदा सिंक एरिया करके रखा है। तो कुछ कर नहीं सकती, कहीं निकलते ही नहीं है। और ये बहुत पुराने हैं, ये मेरा रेंटेड अपार्टमेंट है जैसे मैंने आपको पहले बताया है, तो ये बहुत पहले से है ये डिपॉजिट्स। तो अपनी तरफ से मैं करती हूँ कोशिश इसको थोड़ा रखने का, पर इससे ज्यादा नहीं होता ये साफ। चलिए अब पोहा चढ़ाते हैं। ये मैं पोहा जो यूज़ कर रही हूँ वो है बिग बास्केट का रॉयल ऑर्गेनिक पोहा। मैं काफ़ी टाइम से ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स यूज़ करने लगी हूँ। मैं ज़्यादातर 24 मंत्रा का यूज़ करती हूँ जो ऑर्गेनिक है प्रोडक्ट्स, पर लास्ट टाइम ये आउट ऑफ स्टॉक हो गया था। मैं जनरली एक्चुअली बिग बास्केट से अपना ग्रॉसरी शॉप करती हूँ, तो वो आउट ऑफ स्टॉक था, तो मैंने ये बिग बास्केट है ही अपना ब्रांड है ये बीबी रॉयल ऑर्गेनिक के, तो उसका मैंने मंगाया। तो ये भी अच्छा बन रहा है, काफ़ी पोहा अच्छा बना, ऐसा कुछ मतलब सॉगी सॉगी सा नहीं हो गया था, अलग अलग सा अच्छा पोहा बना था। ये मैं इसको वॉश कर लिया है, अब इसको मैं यहीं पे छोड़ दूंगी 10-15 मिनट के लिए ताकि ये थोड़ा सा सूखा सूखा हो जाए। और पोहा बनाने के लिए मैंने प्याज बारीक बारीक चॉप कर लिया है, और ये मिर्ची को स्प्लिट कर लिया है, ये मेरी मूँगफली है उसको भी रोस्ट करेंगे हम, और ये है मेरे धनिया पत्ता। धनिया पत्ता मैं थोड़ा ज़्यादा ही डालती हूँ क्योंकि सुभाष को धनिया पत्ता बहुत पसंद है। गैस ऑन कर लिया है, इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा तेल बस, क्योंकि मुझे मूंगफलियाँ रोस्ट करनी है। बस मैं डालूंगी मूंगफली, इसको तब तक रोस्ट करेंगे जब तक इसमें से अच्छी सी खुशबू आए और इसके जो छिलके हैं वो थोड़े थोड़े टूटने लगे, तो इसका मतलब ये रोस्ट हो गया है। अभी हमारी मूंगफलियाँ अच्छे से रोस्ट हो गई हैं, अब मैं इसको निकाल लूंगी। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा और तेल, फिर मैं डालूंगी हींग, मिर्ची, राई, जीरा। ये थोड़ा सा स्प्लैटर करने लग गया है, अभी एक बार जब राई नाचना शुरू कर देगी, देखिए नाचना शुरू कर दिया मेरे राई ने। इसमें डालेंगे प्याज, खूब सारा प्याज, जब
प्याज बहुत पसंद है। थोड़ा सा नमक पोहा बनाने के लिए प्याज को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना पड़ता है, थोड़ा कच्चा कच्चा अच्छा लगता है। मुझे तो ऐसे पसंद है थोड़ा जो बाइट हो प्याज का, थोड़ा क्रंचीनेस जो है वो रहे और पोहा में मुँह में आए वो क्रंच अनियन का। उसमें डालूंगी थोड़ा सा हल्दी, इसमें डालेंगे थोड़ा सा धनिया पाउडर, उसमें हल्का सा एक चुटकी से इतना डालूंगी शुगर, अभी थोड़ा सा, और थोड़ा सा जब मैं नींबू का रस डालूंगी पोहा में बनने के बाद तब डालूंगी। ये मेरा ऑलमोस्ट डन हो गया है, अब इसमें मैं डालूंगी पोहा। देखिए काफ़ी लोगों के अपने तरीके भी हैं पोहा बनाने के, काफ़ी लोग टमाटर भी पसंद करते हैं इसमें, नारियल भी डालते हैं इसमें, नारियल कद्दूकस करके वो भी डालते हैं, और सेब वगैरह तो वो तो आपको पता ही है, सेब भी डालते हैं ऊपर से जब खाने के टाइम पे। तो मॉर्निंग में मुझे सेब वगैरह ज़्यादा मैं खाती नहीं हूँ, प्रेफर नहीं करती हूँ, तो मैं बस कुछ सिंपल सा एक मॉर्निंग का हल्दी सा नाश्ता बना रही हूँ। मैंने इसको सिर्फ 2 मिनट के लिए ढका, ढक के रखा, अभी ऑलमोस्ट डन है। और मैं इसमें डाल दूंगी जो हमारे मूंगफली के दाने थे, अब इसमें निचोड़ेंगे थोड़ा सा और नींबू का रस और हल्की सी चीनी। हो गया मेरा पोहा रेडी। तो अभी 8 बज गए हैं, अब मैं जिम जाऊंगी, जिम से आके फिर मैं नाश्ता करूंगी सुभाष के साथ। तो चलिए आपको थोड़ा जिम भी दिखा लेते हैं आज अपना। अच्छा ये चीज़ देखिए, यहाँ से मेरे जो घर का जो सोफे में बैठने के बाद ये जो व्यू आता है ना यहाँ से, ये देखिए, और ये देखिए, ये देखो क्रिकेट मैच, पूरा खुला ग्राउंड है यहाँ पे, बहुत अच्छा लगता है सामने से। और ये देखिए सूरज देवता उगते हुए, मैं आपको बाहर से दिखाती हूँ, रुकिए बालकनी से दिखाती हूँ। ये देखिए सुबह सुबह सूरज के दर्शन, और ये है वो ग्राउंड बाहर से। ये था मेरे बालकनी से व्यू, और मैं इस पर एक्चुअली एक मेरे घर का जो पूरा प्रॉपर टूर है मेरे घर का एक वीडियो बना रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो वही है कि मेरा घर कैसा दिखता है, तो उसको मिस मत करना, नेक्स्ट वीडियो पक्का देखना मेरा। अच्छा जिम से पहले जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको बताऊंगी कि हमारा रोज डे इतना स्पेशल क्यों था, तो रुकिए मैं बैठ के बताती हूँ आराम से। ऐसी कोई बहुत अमेजिंग बड़ी स्टोरी नहीं है, पर हमारे लिए बहुत ही स्वीट सा जेस्चर था अनन्या की तरफ से। एक्चुअली कल रोज डे था, तो उसको जब मैंने बताया कि ऐसा होता है वैलेंटाइंस डे वीक होता है, क्योंकि आई एम श्योर वो स्कूल जाती है तो अपने फ्रेंड्स से सुनेगी, उसको पता लगेगा वैलेंटाइन डे ये वर्ड पता लगेगा। अब पता नहीं बच्चे क्या मीनिंग निकालते हैं इसका, क्या बोलते हैं, तो मैं सोचा मैं ही उसको थोड़ा बता देती हूँ कि ये वैलेंटाइन डे वीक होता है, इसमें ये डेज होते हैं। तो जब आप अपने हस्बैंड को, अपने आप जिससे प्यार करते हो, आपके मम्मा पापा या फिर किसी को आप ऐसे गिफ्ट्स देते हो, डिफरेंट डिफरेंट डे होता है उसको आप सेलिब्रेट करते हो। तो मैंने उसको बताया कि आज रोज डे है, मतलब कल जो था वो रोज डे है। तो उसने बोला रोज लेके आए मम्मा, तो मैंने कहा ठीक है लेके आएंगे। तो मैं, मेरे दिमाग से एक्चुअली हट गया है अभी शादी के 10-11 साल बाद, ऐसा रहता है कि ठीक है यार रोज डे क्या, रोज देना मैं ना एक प्यार से आई लव यू बोल दो बस, इतना ही बहुत है। तो रात को जब सुभाष के आने का टाइम था, सुभाष ने जस्ट बेल बजाया, अनन्या भाग के अपने कमरे में चली गई, उसने दरवाजा बंद कर लिया और सुभाष आए, हाथ मुंह धोया उन्होंने, मुझे भी नहीं पता अनन्या ने अनन्या अंदर क्या कर रही है, उसे बस बोला मामा डोंट कम इन ओके आई हैव अ सरप्राइज ओके। फिर वो सुभाष ने हाथ मुंह धोया, फिर 5-6 मिनट में वो आई, दरवाजा खोला, हम दोनों को साथ में खड़ा किया कि मामा पापा आप दोनों साथ में खड़े हो जाओ, तुम खड़े हो। उसने हमको दिया एक प्यारा सा कार्ड, ये देखो रोज बनाया है यहाँ पे उसने। एक्चुअली ना उसको कार्ड बनाने का बहुत शौक है, तो ऐसे कार्ड के पेपर्स ना ऐसे कट करके मैंने उसके लिए रखे हुए हैं, तो जब भी कुछ ओकेजन होता है, उसके किसी फ्रेंड का बर्थडे होता है, तो वो हमेशा हैंडमेड कार्ड देती है, हमेशा कार्ड्स बना के देती है, नेम टैग में कार्ड्स बनाती है वो।
तो उसने ये दिया एंड वी वर लाइक कि ओ माय गॉड, आई मीन ये इतना प्यारा था. आई मीन आई थिंक ये मेरे लाइफ का बेस्ट रोज डे था. रोज नहीं तो रोज का छोटा सा कार्ड ही सही. और इसमें उसने लिखा है इतना प्यारा सा, बताती हूँ आपको. यू फैमिली आर द बेस्ट फैमिली इन माय लाइफ. एक छोटा सा हार्ट, लव फ्रॉम मी, यू आर मैरिड. ये देखिए ये लिखा है उसने, एक छोटे से कार्ड से उसने इतना स्पेशल मोमेंट क्रिएट कर दिया. सो किड्स आर सीरियसली वेरी स्वीट. छोटे छोटे होते हैं, छोटी छोटी हरकतें करते हैं, क्यूट क्यूट से. रियली यार, चलिए अभी जिम के लिए रेडी होते हैं, लेट हो रहे हैं. तो अभी जिम जा रही हूँ मैं. ये देखिए मेरे कपड़े, और लोग यहाँ पे जैकेट पहन के घूम रहे हैं. सबको लगता होगा ना कि यार ये हीरोइन बन के घूम रही है, पर एक्चुअली हीरोइन बन के घूमना नहीं है, दिल्ली से हो यार. दिल्ली के ठंडी के आगे पुणे की ठंडी कहाँ ठंडी लगती है. अभी मैंने कर लिया वार्म अप, अभी मैं करूँगी थोड़ा सा कार्डियो, थोड़ा सा ट्रेडमिल, थोड़ा सा साइकिलिंग, फिर हम जाएंगे हैवी वेट वाले साइड में. और आपको अपने जिम ट्रेनर से भी मिलवाती हूँ, पकड़ते हैं उनको भी आज. चलिए तो ये है मेरे जिम की कमाई, ये पसीना. अभी मेरा कार्डियो इज डन, नाउ अब मैं जाऊँगी हैवी वेट साइड में. तो देखते हैं, आज मोस्ट प्रॉब्ली मैं शोल्डर करूँगी. तो लेट्स गो टू दी अदर साइड. तो ये है हमारा जिम का दूसरा सेक्शन, ये वेट वाला सेक्शन है. रुको दिखाती हूँ मैं यहाँ पे, ये सारे वेट्स. मैं अभी 7.5 तक पहुँची हूँ. इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, ये भाग रहे हैं. ये है हमारे इंस्ट्रक्टर. इनका नाम है सुखजीत, सुखी बोलते हैं इसको हम. ये सबको दुखी करते हैं. नहीं, एक्चुअली सुखी करते हैं. अभी हेल्दी रहेंगे तो सुखी रहेंगे ना, तो मजाक करते हैं इनके साथ. तो अभी चलो शुरू करते हैं हैवी वेट. चलो शुरू करते हैं हम लोग अभी हैवी वेट वाला. तो जिम से वापस आके नाश्ता हो गया है, अभी चल रही है चाय की चुस्की. वैसे जिम से आने के बाद मैं चाय वाय नहीं पीती हूँ. मुझे चाय बहुत पसंद है, पर हम सिर्फ दो बार ही चाय पीते हैं, सुबह और शाम को. पर आज तो बनता है, सैटरडे है तो आज चाय. ये देखो न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर का तो पहला प्यार ही न्यूज़पेपर है. पता नहीं पढ़ते क्या है इतना न्यूज़पेपर में. नाटक पढ़ते क्या इतना न्यूज़पेपर में, आप पूरा न्यूज़पेपर एक-एक पेज कुछ नहीं छोड़ते पेपर में. सीरियसली यार, मैं तो नहीं पढ़ती न्यूज़पेपर, यही से सारा इन्फॉर्मेशन पास ऑन हो जाता है मुझे फिल्टर होके. नहाना वहाना हो गया है मेरा, और खिचड़ी बनाई है मैंने आज. सिंपल सी खिचड़ी इसलिए बनाई क्योंकि एक्चुअली सुभाष का जो है उसके फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर है, तो वो लंच करेंगे नहीं, वरना सैटरडे तो मतलब कुछ ना कुछ स्पेशल बनता है. और अनन्या भी आ गई है स्कूल से, चलो अनन्या से मिलवाती हूँ. ये क्या था? जोकर अनन्या है ना, जोकर. तो अभी अनन्या आ गई है स्कूल से, अब इसको नहलाते धुलाते हैं, फ्रेश करते हैं. क्या नहीं नहाना, इसको नहाना ही नहीं होता है कभी भी. चलो अभी व्लॉग को हम यही खत्म करते हैं. अगर आप मेरे वीडियोस देखे जा रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए. और अगर आप मेरे चैनल में आज पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस लाने वाली हूँ मैं. और कमेंट करिए, लाइक करिए, कमेंट करके बताइए मेरे वीडियोज़ आपको कैसे लग रहे हैं और किस तरह के वीडियोज़ आप और देखना चाहते हैं. तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं. बाय बाय, टेक केयर.